जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने ट्रिब्यूनल आर्मी मतलब टीए के दोस्तों के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों जब से फॉर्म आया है, जब से सूचना आई, तब से हम लोग लगातार लग गए हैं क्योंकि हमें आपको सफल करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चेयर को FKDLU की तरह कोड किया गया हो, किसको चेयर को, देखिए चेयर क्या, ये 3 है, ये 6 है प्लस 3, ये 8 है, ये 3 है, 11 है प्लस 3, मतलब हम समझ गए सीरीज प्लस 3 की है। R में प्लस 3 करेंगे 21 आ जाएगा, U हर जगह है, U के बाद आएगा C, कहाँ पर U के बाद क्या आएगा, C, U के बाद आएगा C, क्योंकि H का 11, 8 3 11, A का 4, I का 9 3 12, हाँ ठीक है, तो R A का मतलब यू सी होगा, सॉरी 4 3 जोड़ेगा, यू डी क्या होगा, यू डी आपका अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 9 17 29 45 65 क्या डिफरेंस है, 5 2 10 में से एक गया, मतलब 2 से गुणा करके माइनस एक किया, 9 2 18 में से एक गया 17, 17 2 34 नहीं हो रहा है, 17 2 34 34 में से गया 33 होता, तो मतलब ये नहीं बना रहा है सीरीज। तो अगली सीरीज अगला देखिए क्या बन रहा है, इसमें आप ज़रा देखिए क्या बन रहा है आपका, 5 है फिर 9 है फिर 17 है फिर 29 है फिर 45 है फिर 65 है, डिफरेंस लीजिए यहाँ पे कितने का है, 4 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 12 का, यहाँ पर कितने का है, 12 के बाद 16 का, बस ठीक काम खत्म, यहाँ पर 20 का, अब कितने का होगा, 24 का डिफरेंस होगा, मतलब 24 जोड़ेंगे, 5 4 9 एक ही जगह है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करते समय जैसे ही अगर आपका एक तरीका फेल होता है, दूसरा गैप लेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रंगीन घर को 216 छोटे घनों में काटा गया जाता है, तो ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल 4 सतह रंगीन है, अ कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 216 स्मॉलर क्यूब, देन हाउ मेनी क्यूब्स आर इनफॉर्म्ड विच हैव ओनली 4 फेस पेंटेड, 4 फेस पेंटेड, 4 फेस, 3 ही तो फेस दिखती है घन की, अर्थात कि 4 फेस पेंटेड कोई भी घन होने वाला नहीं है। दोस्तों ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो कटक उड़ीसा की राजधानी है, किसकी, कटक उड़ीसा की राजधानी है, करेक्ट आंसर यही है ना, कटक उड़ीसा की राजधानी क्या है, कटक ही तो है, यस कटक ही है कटक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए, यस एन एल पी, कुछ नहीं नंबर लिखिए कुछ समझ में आएगा, ये कितना है 19, ये कितना है 14, ये कितना है 12, ये कितना है 16, ये कितना है 24, ये कितना है 4, ये कितना है 2, ये कितना 21, मतलब समझ में आ गया 3 3 का डिफरेंस है, यहाँ देखें 17, ये कितना है 14, 3 का डिफरेंस, यहाँ कितना है 26 और यहाँ कितना है आपका 26 और ये कितना आपका 29 है, कितना है 29, सी का मतलब क्या है, सी 3 भी है और 27 28 29 भी है, तो कितने का डिफरेंस है, 3 ही का डिफरेंस है, 16, ये सब क्या है बढ़ते क्रम में, अच्छा और देखो तो यहाँ पे क्या है आपका, ये तो हो गया मामला ख़त्म, 14 12 2 का डिफरेंस, 4 2 2 का डिफरेंस, 9 7 2 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 एक का डिफरेंस, इसका मतलब ये आपका ऑड हो गया इस मामले में। फिर कर रीड्स अ बुक, ही नोज द नेम ऑफ ऑथर ऑफ दैट बुक वेरी वेल, राइटर बी इज द अंकल ऑफ सी, सी इज डॉटर ऑफ ए, हाउ आर ए एंड बी रिलेटेड, ए पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से परिचित है, सी का चाचा बी लेखक है, जो सी है ना, सी इसका चाचा है, बी बाप नहीं है चाचा है, तो सी का जो बाप होगा वो कहीं यहाँ आएगा, सी का पापा यहाँ आएगा, सी का पापा यहाँ आएगा, सी का जो पापा है यहाँ आएंगे और सी के पापा का भाई बी इसका चाचा है, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, आ गए ए मिल गए, ए कौन है, ए की पुत्री सी है, ठीक है, और ए का भाई बी है,
अब आपसे क्या कर रहा है, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, काम खत्म, ए का भाई बी है। अगला क्वेश्चन, ए किसी स्थान से चलता है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है फिर बाएं मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है फिर बाएं मुड़ जाता है, और फिर 3 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं का मतलब क्या, नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण जा रहा है। देखिए डायरेक्शन में दाएं का मतलब क्लॉकवाइज और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। करा ए उत्तर की तरफ जाता है बाएं मुड़ जाता है फिर बाएं मुड़ जाता है, किधर जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी खड़ी हैं, बिंदु बीजी की बाई ओर है, ये डायरेक्शन का उल्टा होगा, इसमें क्लॉक मतलब कि बाएं के लिए क्लॉकवाइज दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज, सिटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन चैप्टर का उल्टा होता है, मतलब डायरेक्शन में दाएं के लिए क्या करते हैं क्लॉकवाइज बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्या करते हैं दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज बाएं के लिए क्लॉकवाइज। कह रहा है बिंदु बीजी की बाई ओर है, तो हम क्या करते हैं बीजी को बैठा देते हैं, बीजी बीजी के बाई ओर बिंदु है, बैठा दिया, कितना दूर है ये नहीं पता, लिखा ली, लिख दिया बिंदु, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो यहाँ कहीं रेखा को बैठा दो और मुमताज को यहाँ बैठा दो। अब क्या करना है, मुमताज ये पॉइंट हो गया इसका, अब कह रहा है जैसा बीजी और निर्मला के बीच में है, बीजी और यहाँ पर निर्मला को बैठा दो, निर्मला को और यहाँ कहीं बीजी को जैसा को बैठा दो, किससे बैठा दो, जैसा को बैठा दो, यहाँ कहीं जैसा को बैठा दो, नामो अजीब गरीब है जैसा, तो 1 2 3 4 5 6 बैठ तो गए भैया, ये निर्मला है, अब क्या करें, निर्मला मुमताज के बाई ओर कौन है, मुमताज का बायां मतलब क्लॉकवाइज, मुमताज के बाई ओर निर्मला है दोस्तों, मुमताज के बाई ओर कौन है, तो आपने कहा मुमताज के बाई ओर निर्मला है। अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब इफ देयर आर 8 कलरलेस क्यूब, आपको पता होना चाहिए कलरलेस क्यूब की संख्या क्या होती है, n-2 का क्यूब, ये किसके बराबर दे रखा है, 8 के बराबर दे रखा है, तो n-2 = 2 हो जाएगा, तो n = 4 हो जाएगा, तो बोल रहा है छोटे घनों की संख्या n³ का मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ये कैसे आ गया, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, अब यहाँ से हम सॉल्व करके आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत 3 कंडीशन है इसकी, 1 3 5 6 2 4 6 5 6 3 5 6 3, अब अगर हम इसको ले लें तो यहाँ पे क्या है 6 2 4 है, घुमा दें से 6 2 4, यहाँ पे क्या है 6 5 और 3 है, 6 5 और 3 है, सही है ना, 6 5 और 3 है, जिसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन मिला ही नहीं 1 3 5 में, तो इस हिसाब से 4 के विपरीत कौन आ रहा है, 4 के विपरीत 3 आ रहा है, कौन सा आ रहा है 4 के विपरीत 3 आ रहा है। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब कोण सर्वाधिक होता है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब कोण सर्वाधिक, 6 बजता है जब, कितना, जब 6 बजता है तो सुइयां ऐसी होती हैं और इनके बीच 180 डिग्री का कोण होता है, अर्थात कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कों की पंक्ति में ए बाई ओर से 10वां है, लड़कों की एक पंक्ति में दोस्त ए जो है वो बाई ओर से 10वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, बी दाहिनी ओर से 9वां है, जब स्थान बदल लेते हैं, जो बी है ना वो दाहिनी ओर से 9वां है, ये बी बंदा है, जब वो स्थान बदल लेते हैं तो ए बाई ओर से 15वां हो जाता है, जब ए यहाँ आ जाता है तो
तो ये बाईं ओर से पंद्रहवां हो जाता है, और ए ए यहाँ से बाईं ओर से पंद्रहवां, और दाएं से ये पोजीशन नौ है, तो इसका मतलब टोटल कितना होंगे, 15 प्लस 9 माइनस ए, तो 15 9 24, 24 में से एक गया 23, कुल कितने बंदे होंगे, तो आपने कहा सर 23 होंगे। इफ प्लस मीन डिवाइड मीन माइनस मीन इनटू एंड इनटू मीन प्लस देन वैल्यू ऑफ इतना। अब इसको सेट करिए जरा, पहले लिखिए 12, अब प्लस का मतलब क्या है, भाग है, डिवाइड करिए 4 से, इसके बाद है गुणा, गुणा का मतलब प्लस है, प्लस लिखिए 2, और बाहर गुणा, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब प्लस है, प्लस करिए, प्लस क्या है 6, माइनस का मतलब क्या है, माइनस मीन्स गुणा है, माइनस मीन्स गुणा है, गुणा कर दीजिए 4 से, और भाग, भाग का मतलब क्या है, कहाँ पे है भाग, भाग का मतलब माइनस है, यहाँ माइनस हो गया और 2 आ गया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 12 को 4 से भाग किया, 3 2 5, यहाँ 5 आ गया, 6 चौक 24 और माइनस कितना आ गया 2, तो 22 5 27, आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों, 27 आ गया, कितना आ गया 27। नीचे दिए गए प्रश्न में दी हुई संख्याएं एक निश्चित पैटर्न पर आधारित हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो द नंबर गिवन एट द टॉप ऑफ फॉलो अ सर्टेन स्पेसिफिक पैटर्न, स्टडी आउट ऑफ द पैटर्न एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। यहाँ कितना दिया है 9, तो 9 और यहाँ 20, तो 9 में से कितना घटा रहा है, 9 में से अगर मैं 9 में से 4 घटाऊं तो कितना रहे 5, और 5 का 4 से गुणा करूं तो कितना आएगा 20 आएगा, देखते हैं होता कि नहीं। 8 में से अगर मैं 5 घटाऊं, 8 में से कितना घटाऊं 5, तो 3 आएगा, और 3 का 4 से गुणा करूं 12, काम बन गया। 7 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो 1 आएगा, 1 का 4 से गुणा करूं तो यहाँ 4 आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ गया, करेक्ट आंसर आपका 4 है, ठीक सवाल था, करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों 4 है। 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी, मतलब जो अशोक था अगर वो यक्ष साल का था तो उसकी जो मम्मा थी, अशोक की जो क्या थी मम्मा थी, ये 3 यक्ष की थी 5 साल पहले, 5 वर्ष बाद ये 2 गुना बड़ी होगी, तो वर्तमान में अगर मैं लाऊंगा तो अशोक यक्ष प्लस 5 का हो जाएगा, मम्मा 3 यक्ष प्लस 5 की हो जाएगी, और अगर मैं इधर 2 से गुणा कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगे, 2x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 5 हो गया, तो इसका मतलब x बराबर 5 आ गया, x बराबर कितना आ गया 5। अशोक की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, अब चलो सवाल ही है, नहीं तो मम्मा 15 साल की कैसे थी, तब तो मम्मा 10 साल, मतलब 5 वर्ष बाद उसकी जो माँ है अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी, तो अगर यक्ष का मान 5 आया तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये 5 आ गया, 5 साल बाद वर्तमान आएगा, 10 साल हो गया, सवाल ही है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा बवाल था, अगर ये सवाल ना होता तो बहुत बड़ा बवाल था, क्योंकि अशोक 5 साल का है, उनकी माँ 15 साल की है, तो बहुत बड़ा बवाल था। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध, डॉक्टर आदमी अभिनेता, देखो आदमी सभी होंगे और डॉक्टर और अभिनेता इनके बीच में होंगे, डॉक्टर और अभिनेता इनके क्या होंगे बीच में होंगे, तो अब अगर कुछ लगा होता तो सोच भी सकते थे, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर, मतलब कौन इसको कंप्लीट करेगा, तो देखिए ये लाइन आपको समझ में आ रही, ये लाइन समझ में आ रही, ये लाइन आ गई, तो यहाँ एक बीच में लाइन आएगी, तो ये हो नहीं सकता, ये आ गया, अब देखो इसको कैसे कंप्लीट कर रहा है, ये इधर से है और ये इधर से, तो वर्ग बनेगा, तो ये कुछ ऐसे रहेगा, मतलब ये ऐसे है, ऐसे ये बनेगा आपका, तो ये आ गया। अब इसके साथ साथ कुछ और है, इसके साथ साथ इसको कंप्लीट भी करना, सी लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए सी लगा लीजिए, काम बन जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ भी फिर वही बात है, इसको भी कंप्लीट करना, ये है आपका, ये है, फिर ये, तो यहाँ क्या आएगा, यूँ आएगा, ट्रायंगल आएगा,
यूं आएगा और ट्रायंगल आएगा, इसके बाद लाइनिंग आएगी, इसके बाद ये लाइन आएगी। तो ट्रायंगल ऊपर होगा, इसके बाद लाइन होगी। तो यहाँ भी आपका कौन सा, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कुछ करने जैसा नहीं था। कुछ मुर्गी गाय है, सभी गाय क्या है, सभी गाय घोड़े हैं। चलिए ये बना लिया, ये गाय हो गई और ये क्या हो गया, घोड़ा हो गया। अब क्या कह रहा है कि कुछ मुर्गी गाय है, कुछ मुर्गी गाय है, मुर्गी यहाँ आ गई, कुछ मुर्गी गाय है, तो कुछ घोड़े मुर्गी हैं और कुछ मुर्गी घोड़े हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं और कुछ मुर्गी घोड़े हैं। तो आपका जो निष्कर्ष है वो वन केवल एक केवल दो, यदि या तो एक या एक, इफ आइदर कंक्लूजन, हाँ ठीक है फिर सी लगा लीजिए, आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मिरर है तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो जब ऐसे घूमेगा ये ऐसे, तो ये वाला पोर्शन आएगा नज़दीक, तो ये हो नहीं सकता, ये पलट तो रहा नहीं है, ये वाला पोर्शन हो गया, सी आ गया आपका। देखिए ये मिरर में क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे मिरर हम ऐसे हैं ना, ऐसे शीशे के सामने कैसे ऐसे घूम जा रहे हैं, मतलब सीधे आपका मुंह दिखाई दे रहा है, जबकि आपका मुंह है इधर की तरफ, लेकिन आप उधर से इधर की तरफ देख रहे हैं, मतलब सीधे आप 180 डिग्री ऐसे मूव कर जाते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी मिरर ही लगा दिया इसने, तो अगर मिरर लगाएगा तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा, ये वाला जो टेढ़ा वाला पोर्शन है इस साइड, तो ये तो हो नहीं सकता, ये आ गया पोर्शन इधर, और ये दोनों क्या होंगे, ऐसे इस साइड चले जाएंगे। तो ये आपका, फिर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऐसे घूमेगा तो ये भी उधर मुंह कर लेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपका बी, देखिए एक चीज़ और बता दूं, जैसे इन फिगर्स में कई बार जैसे बहुत अस्पष्ट फिगर है और मैंने घुमा दिया, कहीं गड़बड़ी हो तो बाद में ये मत, आप कहीं अरे रही तो मास्टर को रीजनिंग नहीं आती, क्योंकि तेज पेपर करें तो कभी कुछ मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने ट्राइंगल हैं, दिए गए वर्ग में कितने ट्राइंगल हैं, गिन लेते हैं, एक है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए, सात बड़ा वाला, आठ, आठ कितने ट्राइंगल हैं, आठ ट्राइंगल हैं। बस कलम रखिए, चलाते चले जाइए, गिन के निकल लीजिए। कर कितने चतुर्भुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, तो चतुर्भुज ये आपका एक है, एक दो जो बड़ा वाला खुद ही, ये तीन, ये वाला आपका नीचे वाला चार, फिर ये वाला आपका पाँच, ये वाला आपका छः, छः और एक बड़ा वाला सात। फिर से देखते हैं एक बार, फिर से देखते हैं, आपका एक चतुर्भुज ये है भैया, एक ये हो गया आपका दो, तो दो ऊपर दो नीचे चार, चार के बाद ये वाला एक बड़ा वाला पाँच, ये वाला क्या हो गया छः, छः के बाद ये वाला सात, ये वाला आठ और एक सबसे बड़ा वाला नौ, डी करेक्ट आंसर कितना हो गया, डी। निम्नलिखित को तर्कसंगत, ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 24 है, 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर कितना है 24, बाद में आप कहें कि ये कहां से आ गया, क्वेश्चन नंबर 24 है ये, ये कितना है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अगला सवाल ये इसको देखिए, सो द फॉलोइंग सीक्वेंस लॉजिकली, तो सबसे पहले क्या होगा, दिन होगा, सबसे पहले दिन होगा, फिर बंदा काम करेगा, तो तीन पाँच हो गया, फिर इसके बाद रात्रि को थका मांदा घर आएगा, रात्रि को थका मांदा घर आएगा और फिर सो जाएगा, तीन पाँच दो एक चार, तीन पाँच दो एक चार, डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यहाँ आपको रखना है। चलो पहले ऑप्शन, तो 96 को 6 से भाग किया 16, अगला बराबर बराबर 8 गुणे 2 16 हो तो गया, सही हो गया आपका, करेक्ट आंसर ये है। तो टीए के मेरे सारे भाइयों के लिए, सारे दोस्तों के लिए, सारे जाबाज सिपाहियों के लिए
मैं लेकर आया था रीजनिंग का मॉडल पेपर। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जय हिंद दोस्तों।